भारत में विधायी निकायों के सचिवों के सम्मेलन में आज दो अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि समय के साथ नियम प्रक्रियाओं में संशोधन अपेक्षित है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने उद्घाटन सत्र में कहा कि उच्च सदन में कार्य संचालन नियमों में संशोधन संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप से विचार के लिए जल्द ही राज्यसभा की सामान्य प्रयोजन समिति को भेजे जाने की संभावना है। लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने बीते एक साल के बदलावों और सांसदों को सक्षम बनाने की कोशिशों का उल्लेख किया। उत्तराखंड में पहली बार भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में मंगलवार को कई अहम सवालों पर मंथन हुआ। सम्मेलन में देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के प्रमुख सचिवों वरिष्ठतम अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव भी उपस्थित रहे। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि अवरोधों से बहुमूल्य संसदीय समय का नुकसान होता है और विधायिका के कामकाज में गिरावट आती है। Our houses are mostly the process driven. We are bound so much by the rules and so much by the procedures that many times we mistake the procedures and the ends, the means for the end. What is required is that we should galvanize these processes, these rules, so as to achieve some end. राज्यसभा के 250वें सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों की बैठकों में कम संख्या में उपस्थिति पर सभापति की चिंता और नई पहल 22 भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा, दल बदल कानून के तहत 3 माह में याचिकाओं का निपटारा जैसे मुद्दे खास थे। उन्होंने बताया कि राज्यसभा टीवी नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है। TV and Lok Sabha TV channels, and I'm very happy to tell you that in the last 2 years, the subscription of the Rajya Sabha TV has gone from 3 lakhs to 35 lakhs. So it's about 10 times that subscription has gone up, and more and more people, mostly young people, are participating in the deliberations of the Rajya Sabha TV. Lok Sabha Mahasachiv ne bite ek saal ke dauran लोकसभा में की गई नई पहल का खास जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 17वीं लोकसभा में करीब आधे सदस्य नए हैं और पहली बार 78 महिलाएं जीती हैं, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नए सांसदों को अनूठा मौका दिया। टू इम्प्रूव द अवेयरनेस ऑन द लेजिस्लेटिव इश्यूज, अ ब्रीफिंग सेशन ऑन द बिल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच the senior officers of ministries and department concerned brief the members on the various provisions and implications of the bill. In all, 9 briefing sessions had been organized during the winter session of parliament, the second session of parliament, and members as well as ministers have highly appreciated the initiative. सम्मेलन में इस बात पर अहम सहमति बनी कि तकनीक के व्यापक इस्तेमाल के साथ जनता को विधायी निकायों के करीब लाया जाए। सचिवों का सम्मेलन 1953 से हो रहा है। ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के एक दिन पहले होता है। प्रक्रियात्मक मामलों और सचिवालय से संबंधित कामों के साथ तमाम ज्वलंत सवालों पर चर्चा के नाते ये सम्मेलन उपयोगी विचारों का मंच साबित हुआ। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।